मॉर्निंग एवरी वन, टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एग्जाम प्रिपरेशन फॉर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट. The sides of a rectangle are 120 mm and 80 mm long. Draw parabola by rectangle method. हम पढ़ रहे सम इंजीनियरिंग कोर्स का, जिसमें को दिया हुआ है पैराबोला बाय रेक्टेंगल मेथड. हमको दिया है साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल, दिया हुआ है 120 mm एंड 80 mm का. आपको ड्रॉ करना है पैराबोला बाय द रेक्टेंगल मेथड. तो उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, पहले मुझे रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा जिसका मैं बेस लूंगा 120 mm का और मैं हाइट लूंगा 80 mm का. पहले मैं यहाँ से एक बेस लाइन ड्रॉ करता हूँ. आपको पहले ऐसे एक बेस लाइन ड्रॉ करना है जिसका मेरा लेंथ होगा 120 mm का. आपको लेंथ शो करना है यहाँ पे 120 mm का. तो मेरा यहाँ से लेंथ हो गया है रेक्टेंगल का बेस 120 mm का. तो अभी आपको इसका रेक्टेंगल ड्रॉ करना है. आपको उसके लिए करना क्या, आपको आपका प्रोटेक्टर लेना है. आपको उसको रखना है इस पॉइंट पे. सपोज मैंने इसको पॉइंट को नाम दे दिया ए और बी. ओके, आपको रखना है पॉइंट ए पे. आपको वहां से 90 का एंगल लेना है, वर्टिकल ड्रॉ करना है. सेम आपको करना है पॉइंट बी पे रखना है. आपको यहाँ से एंगल है 90 का और आपको स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है. तो पहले मैं सोचो कि मैंने मेरा जो प्रोटेक्टर है रख दिया है पॉइंट ई के ऊपर. मैंने यहाँ से 90 का लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं. तो मैंने यहाँ से 90 का लाइन ड्रॉ कर दिया है. मैंने यहाँ से 90 का लाइन ड्रॉ कर दिया है 90 डिग्री का. फिर मैंने पॉइंट बी पर रखा है और मैंने पॉइंट बी से भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया है. अब मुझे करना क्या है, अब आपको आपका लेंथ हाइट जो है 80 mm का, आपको हाइट लेना 80 mm का कंपास में. आपको यहाँ से इसको आर्क मारना है. आप कंपास में लोगे हाइट 80 mm का, आप यहाँ से पॉइंट से आर्क मारोगे तो आप सबसे आगे 80 को मार्क कर दिया है. फिर आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है. सबको आपको रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है. ठीक है, और ये मेरा हो गया रेक्टेंगल ए बी सी और डी. ये मेरा हो गया रेक्टेंगल ए बी सी और डी. अब मुझे करना क्या है, मेरा जो अब मुझे करना क्या है, ये मेरा जो बॉटम बेस है 120 mm का, मुझे इसके दो पार्टीशंस करना है. तो मेरा पूरा ए टू बी मेरा 120 का है. इसका मैं पार्टीशन लूंगा तो मैं ऐसा होगा 60 mm का. मुझे इसका सेंटर लाइन चाहिए, मुझे इस 120 का सेंटर पोजीशन चाहिए. तो मैंने एक पॉइंट ए से मैंने अपने स्केल से मैंने 60 mm मार्क कर दिया है. अब मुझे मिल गया मेरा सेंटर पोजीशन. तो वहां से मुझे एक सेंटर लाइन ड्रॉ करना है ऐसे. ठीक है, मैंने सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी है. ठीक है, अब मेरा ये हाइट हो गया है, मेरा हाइट है एक. मेरा हाइट है 80 mm का और मेरा बॉटम बेस है 120 mm का. तो ये मेरा है 60 mm का और ये भी मेरा है 60 mm का और मेरा पूरा हाइट हो गया 80 mm का. अब मुझे करना क्या है, मुझे जो 60 mm का है यहाँ तक, तो 60 mm का है यहाँ तक, मुझे इसके पार्टीशंस करना है. तो आप इसके चार पार्ट्स या पांच पार्ट ले सकते हो. नॉर्मली आई सजेस्ट चार पार्ट या पांच पार्ट. जिसमें मेरा वर्टिकल हाइट 80 mm का है, इसमें मुझे फोर पार्ट्स इजी गिरेगा. ठीक है, जैसे मेरा 80 है तो 80 बाय 20 क्या, तो मुझे मिलेगा फोर पार्ट्स. आप करोगे समझ 80 बाय 4, 80 बाय 4 तो आपको मिलेगा 1 पार्ट 20 इंच होगा. ठीक है, आपका हर पार्ट होगा 20 mm का. आपको आपके 60 की भी सेम पार्टीशन चाहिए जितना आप उसके वर्टिकली करोगे. ठीक है, आपको वर्टिकल हाइट का और आपको हाफ गैप का पार्टीशन सेम करना है. तो मेरा हाफ गैप का पार्टीशन और इसका पार्टीशन सेम रहेगा, और मेरे इस वाले पार्ट का पार्टीशन और मेरा ए वाले हाइट का पार्टीशन सेम रहेगा. तो सेम 60 का है तो 60 बाय 4 सपोज 60 बाय 4 इज इक्वल टू 50 mm. तो अगर मैंने इसके चार पार्ट्स किए तो मेरा एक पार्ट होगा 15 mm का. सेम अगर मैंने वर्टिकल हाइट के अगर चार पार्ट्स किए तो मेरा एक पार्ट होगा 20 mm का. ठीक है, आपको करना क्या सिंपल, जो मेरा A2 इस वाला पॉइंट है इस वाला O पकड़ लेगा. ठीक है, इसको मेरा A2 O जो है ना उसमें चार पार्ट्स लूंगा. तो आपको आपकी स्केल लेना है, आपको स्केल में मार्क करना है चार इक्वल पार्ट्स. तो 60 के फोर पार्ट्स हो गए मेरे 15 का एक. ठीक है, 15 × 4 = 60. तो मैं क्या करूंगा ए टू ओ, मुझे इसके चार पार्ट मारना है, एक पार्ट मेरा होगा 15 mm का इक्वल पार्टीशन. तो मैंने एक पार्ट दो पार्ट एक दो तीन और चार पार्ट मैंने मार्क कर दिया. आपको सेम चार पार्टीशन करना है उस वाले साइड में भी. तो मैंने यहाँ से एक पार्ट दो पार्ट तीन पार्ट चार पार्ट मैंने मार्क कर दिया. आपको करना क्या है, इसको नंबरिंग करना है. आपको ए से पास देना है 1 नंबर 2 नंबर 3, आपको बी से पास देना है 1 नंबर 2 नंबर और 3. ठीक है,
आपको ए से पास देना है 1 2 3, आपको बी से पास देना है 1 2 3, ओके। अभी आपको करना क्या, आपको ये वर्टिकल हाइट है, आपको इसके भी करना है 4 पार्टीशंस, आपके 4 पार्ट हो गए 20 का एक। तो मैंने यहां से मार्क पार्टीशन, तो मेरा पार्टीशन पहला हो गया यहां से एक एक दो तीन और चार, ठीक है। वैसे मैं यहां पर करूंगा 1 2 3 और 4, ओके। आपको आपकी स्केल लेना है, इधर रखना है 20 40 60 80, 20 40 60 80, आपको ऐसे 4 पार्टीशंस करना है, ओके। तो इसमें नाम दे दूंगा 1, ये सब पहला ए, मेरा ए टू 1 पास है, मुझे भी 1 चाहिए पास में, 1 2 3, मुझे अभी भी 1 2 3, ठीक है। 1 और 1 क्लोज चाहिए, 2 2 क्लोज, 3 3 क्लोज, ठीक है, इतना क्लियर। अब मुझे करना क्या, सपोज मेरा ये ओ है और ये मेरा सपोज पी है, इसको पी कर दूंगा ना, ठीक है। अभी आपको करना क्या है, अभी आपको P23, P22 और P21 तीन पॉइंट स्लांट जॉइन करना है, आपको सेम P23, P22, P21 स्लांट जॉइन करना है, ठीक है। तो थोड़ा दो बहुत करीब हो गया, तो मैं यहाँ पे लूंगा, ठीक है। तो आपको अभी P23, P22, P21 जॉइन करना है, P23, P22, P21 जॉइन करना है स्लांट लाइन। आपको ये फेंट लाइंस ड्रॉ करना है, ठीक है, आपको ये फेंट लाइंस ड्रॉ करना है। तो मैं मेरा P23 जॉइन करता हूँ, फेंट लाइन जॉइन करते हैं, अब मैं P22 जॉइन करता हूँ फेंट लाइन, अब मैं P21 जॉइन करता हूँ, P21 जॉइन करता हूँ फेंट लाइन, आपको अभी सेम P23 ज्वाइन करना है यहाँ पे स्लॉट। मैंने P23 ज्वाइन कर दिया है, मैंने P22 ज्वाइन कर दिया है, मैं P21 ज्वाइन कर दिया स्लॉट, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको पॉइंट 1 से 2 से 3 से वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करना है पैरेलल, ओके, और कट करना है पॉइंट 1 तक, 1 से 1 तक, 2 से 2 तक और 3 से 3 तक, ठीक है। आपको पॉइंट 1 2 3 से वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करना है, कहां तक, जहां तक, जैसे मेरा 1 पॉइंट से लाइन ड्रॉ करो लाइन वर्टिकल, तो 1 तक जाएगा, 2 से 2 तक, 3 से 3 तक, ठीक है। तो सपोज आपका आपका रोलर स्केल, आपको रखना है स्टार्टिंग के लिए लाइन को पैरेलल, यहां पे रखो या इस पे रखो, ठीक है, आपको इस पे रखना है, इससे मोकर है 1 से वर्टिकल लाइन स्ट्रेट परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है 1 तक, ठीक है। आपको ड्रॉ करना है 2 से इस 2 वाली लाइन तक और 3 से 3 वाली लाइन तक, मींस आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है 1 से जो कट कर करेगा P21 को, ठीक है। ये मेरा हो गया पॉइंट 1 है, आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है 2 से P22 तक कट करेगा मेरा पॉइंट 2, आपका वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है 3 से जो कट करेगा P23 तक, पॉइंट 3 हो गया। फिर सेम आपको गला उस साइड में करना है, तो 1 से आपको आपको हमने यहां पे वर्टिकल लाइन पैरेलल टू दिस वन एंड ड्रॉ वर्टिकल लाइन फ्रॉम 1, बाद में आपको ड्रॉ करना है 2 से ड्रॉ करना है वर्टिकल लाइन, बाद में आपको 3 से ड्रॉ करना है वर्टिकल लाइन, ठीक है। आपको ए आपको हो गया पॉइंट अगेन 1, आपको हो गया पॉइंट 2, आपको हो गया पॉइंट 3, ठीक है। तो आपने आपके पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 और पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 लेफ्ट राइट में मार्क कर दिए। अभी आपको ड्रॉ करना है स्मूथ कर्व फ्रॉम ऑल दिस पॉइंट, आपको कर्व ड्रॉ करना है 1 से लेके P1, P1 से P2, P2 से P3, P3 से P, P से P3, P3 से P2, P3 से P2 से P1, P1 से B1 तक। अगर हम करना है पहले आपको स्टार्टिंग है ऊपर के 3 पॉइंट, आपने ऊपर से 3 पॉइंट ले लिए, अब आओगे P3 से P2, आपको स्मूथ कर्व ड्रॉ करना है, तो आप आओगे पहले P से P3, P3 से P2, P2 से P1 तक और P1 से P1 से A तक, फिर जाओगे P3 से आप इस साइड में P2 तक, फिर P2 से P1 तक और P1 से B तक, ओके। ये आपका हो गया पैराबोला, आपको इसको स्लांट लाइन करके आपको इसको नाम देना है इसका पैराबोला कैपिटल्स में, पैराबोला
हमने इसका साइड शो कर दिया, ये मेरा है 120 का, ये मेरा है 80 का, आपको 66 में शो नहीं करना है, ठीक है, आप इसको अंदर काट सकते हो, ठीक है, जैसे आपको इसको क्रीज कर सकते हो, हमने इसी को रखा था, आपने दिमाग रखने के लिए, मेरा बॉटम बेस हमने ड्रॉ कर दिया पैराबोला बाय रेक्टेंगल मेथड, इसका मेरा बॉटम बेस है 120 mm का, मेरा हाइट है 80 mm का, और हमने पैराबोला ड्रॉ कर दिया है इस तरह से बाय, हमारा हो गया पैराबोला बाय द रेक्टेंगल मेथड, ठीक है, तो आपको इस प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करना है, आपको एग्जाम में आ सकता है, थैंक यू। द मेजर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स इज 120 mm लॉन्ग एंड माइनर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स इज 90 mm लॉन्ग, फाइंड द फोसाई एंड ड्रॉ एन एलिप्स बाय आर्क्स ऑफ सर्कल मेथड। तो हमारा अगला प्रॉब्लम है इंजीनियरिंग कर्व्स के ऊपर, ओके, हमें दिया हुआ है मेजर एक्सिस इज 120 mm एंड माइनर एक्सिस इज 90 mm, ओके, तो फाइंड फोकस पॉइंट फोसाई एंड ड्रॉ एलिप्स बाय द आर्क्स ऑफ सर्कल मेथड। हमें दिया मेजर एक्सिस 120 का, माइनर एक्सिस दिया हुआ 90 का, और हमें बोला है फाइंड द फोकस पॉइंट और फोसाई बोलते हैं उसको एंड ड्रॉ एलिप्स बाय द आर्क्स ऑफ सर्कल मेथड। तो हमें पहले करना क्या है, फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द मेजर एक्सिस एंड द माइनर एक्सिस। तो हमें करना क्या होता है, पहले फर्स्ट यू ड्रॉ द मेजर एक्सिस लाइन, ओके, जो मेरा 120 का दिया हुआ है, पहले मैं यहां से मेरा मेजर एक्सिस ड्रॉ करता हूं, आपका एक्सिस ऐसा होता है लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट, ठीक है, ये मेरा हो गया मेजर एक्सिस का लेंथ हो गया है, ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ पे 120 mm ले लिया है, तो आपको स्केल से गिनना है एक पॉइंट से अदर पॉइंट तक, जो कि मेरा हो गया 120 mm का, तो इसमें मैं नाम दे दूंगा ए और बी, तो मैंने मेरा मेजर एक्सिस ले लिया 120 mm का, आप मुझे यहाँ पे मार्क करना है माइनर एक्सिस 90 का, आपको क्या करना है, आपको आपके स्केल पे इसका सेंटर पता करना है, जैसे मेरा 120 का है, आपको 120 का आधा 120 बाय 2 आपको 60 mm, आपको एक पॉइंट आपको पॉइंट ए से 60 का पॉइंट मार्क करना है, जो होगा सेंटर पॉइंट ऑफ द मेजर एक्सिस, तो आपको यहाँ पे सेंटर पॉइंट मार्क करना है 60 पे, तो मैंने यहाँ से सेल से मेरा सेंटर पॉइंट मार्क कर दिया, जो कि यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इसको मैं नाम दे दूंगा सी पॉइंट, मेरा सेंटर सी पॉइंट, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, आपको माइनर एक्सिस के लिए इस वाले पॉइंट से सी पॉइंट से आपको एक आपका आपको सी पॉइंट पे आपका आपका आपको आपको माइनर एक्सिस के लिए आपको सी पॉइंट पे आपका प्रोटेक्ट रखना है, ओके, आपको आपका प्रोटेक्ट रखना है सी पॉइंट पे, आपको 90 का लाइन मार्क करना है, आपको 90 का लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ से और 90 का एक्सिस लाइन, ठीक है, आपने मार्क कर दिया है, इतना क्लियर, अभी आपको इस वाले पॉइंट पे 90 मार्क करना है, तो 90 का है माइनर एक्सिस से आपको यहाँ से लेना है 45 और 45, ठीक है, क्योंकि इस एक्सिस से आपकी लाइन हो गई डिवाइड, ओके, 90 डिग्री में, आपको इस वाले सी पॉइंट से लेना है हाउ मच 45, बिकॉज़ आपका माइनर एक्सिस 90 का 90 बाय 2 तो मुझे मिलेगा 45 में, ठीक है, तो आपको इस वाले पॉइंट से मारना है 45 ऊपर और 45 नीचे, तो मुझे मिल गया मेरा माइनर एक्सिस, जिसको मैं नाम दे दूंगा सपोज ये मेरा ओ पॉइंट है, मेरा ए बी और सी और डी, तो मैंने माइनर एक्सिस को नाम दे दिया ए बी सी और डी नाम दे दिया, ठीक है, अब आपको बोला है लोकेट अ फोकस पॉइंट, आपको ड्रॉ करना है एलिप्स बाय आर्क्स ऑफ सर्कल मेथड, आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द फोकस पॉइंट, जिसको बोलते हैं एफ1 एफ2 फोकस पॉइंट और फिक्स पॉइंट बोलते हैं उसको, तो आपको फोकस पॉइंट ड्रॉ करने के लिए प्रोसेस ये है, आपको आपके कंपास में फोकस पॉइंट्स ड्रॉ करने के लिए प्रोसेस ये है, आपको आपके कंपास में डिस्टेंस लेना है ए टू ओ, ठीक है, आपको आपके कंपास में डिस्टेंस लेना है ए टू ओ, ओके, मेजर एक्सिस का आधा पार्ट जो कि मेरा कितना होगा 60 mm का, आपको आपके कंपास में डिस्टेंस लेना है ए टू ओ 60 mm का, और आपको ओ कंपास वाला आर्क मारना है सी पॉइंट से, आपको ओ वाला आर्क मारना है सी पॉइंट से इस लाइन के इधर और इधर, ठीक है, तो मैंने मेरे कंपास में ए टू ओ डिस्टेंस ले लिया है और मैं वो आर्क मार रहा हूँ सी पॉइंट से, मैंने आर्क मारा यहाँ पे जो कि कट गया यहाँ पे, ठीक है, अब मैंने सी पॉइंट से आर्क मारा यहाँ पे जो कि बी पे यहाँ पे, ठीक है, तो ये मेरा हो गया फोकस पॉइंट सपोज यहाँ पर मेरा हो गया फोकस पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, इतना क्लियर, ओके, आगे मुझे जाना है, आई वॉन्ट टू ड्रॉ द एलिप्स बाय द आर्क्स ऑफ सर्कल मेथड, उसके लिए प्रोसेस क्या है,
आपका जो गैप है एफ वन टू ओ और एफ टू टू ओ। तो अभी इलिप्स बाय आर्क्स ऑफ सर्कल मेथड से ड्रॉ करने के लिए आपका जो पार्टीशन है एफ वन टू ओ एंड एफ टू टू ओ, आपको इस दोनों पार्ट में आपको इसको गिनना नहीं है कितना है, ठीक है। एफ वन टू ओ एंड एफ टू टू ओ दोनों पार्ट इक्वल है, आपको मैं इसको लेने को गिनना नहीं है। आपको रैंडमली इसमें चार या तीन पार्ट ले लेना है, आपको रैंडमली तीन या चार पार्ट ले लेना है। जैसे कि मैं मारो यहाँ से एफ वन सी, सपोज आपने गेन भी लिया, अब आपने गेन लिया एफ वन टू, आपने गेन फिफ्टी का है, अगर वो 60 का है तो आपको इसे चार पार्ट कर लेना है 15-15 के ईच। इक्वल पार्ट कंपलसरी नहीं है इसमें, आपके इक्वल पार्टीशन कंपलसरी नहीं है। सपोज आपने एफ वन टू ओ गिन लिया 60 mm आ रहा है, अब इसे 15 के चार पार्ट ले लो, 15-15-15 ऐसे ले सकते हो, बट वो कंपलसरी नहीं है। ओके, आप इसके पार्टीशन अपने रैंडमली ले सकते हो। जैसे कि मुझे लग रहा है कि मेरा एफ वन टू ओ 60 के आसपास है, मैं 15 का ही ले लूंगा, ठीक है। सपोज आपका एफ वन टू 55 का है, 55 का, तो आप रैंडमली पार्ट ले सकते हो चार पार्ट गिन के, ठीक है। इसे आप 12-12 के चार पार्ट ले सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है। ठीक है, तो मैं सपोज ऐसे के चार पार्ट ले रहा हूँ, उसमें एफ वन टू सपोज 60 का है, ठीक है। आपको उसे चार पार्ट लेना है कितने 15 mm का, ठीक है। या आपका 55 है, आपको उसके चार पार्ट लेना है, या आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, इक्वली। इतना क्लियर, कंपलसरी नहीं कि आपके पार्ट इक्वल पार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से मेरा एक पार्ट लेना, यहाँ पे एक दो तीन, मैं एक दो तीन चार पार्ट कर ले, मेरा भी एक दो तीन, दो तीन दूर हो गया, इधर आएगा ये मेरा F2 यहाँ पे आना है, ठीक है। मैं चार पार्ट मेरे कर लिया, ठीक है। ठीक है, तो आपको उसको नंबर करना है, आपको इनको नंबर करना है 1, 2, 3 और 1, 2, 3। नंबर में कैसे किया, मैंने एफ वन के पास रखा है 1, एफ वन के पास रखा है 1, 2, 3, सेम मैंने यहाँ पे एफ टू के पास रखा है 1, 2, 3, ठीक है। मैंने नंबरिंग किया है एफ वन के पास 1, 2, 3, सेम मैंने किया एफ टू के पास 1, 2 और 3, ठीक है। आपको नंबरिंग सेम प्रोसेस में करना है, ठीक है, 1, 2, 3 देन 1, 2, 3 उल्टा, ठीक है। अभी हमें करना क्या है, हमें अभी करना क्या है, फर्स्ट स्टेप ये होता है, ओके, आपको पहले करना क्या है, आपको कंपास लेना है, ध्यान दो बराबर, आपको लेना है कंपास। कंपास में पहले आप लोगे ए टू वन डिस्टेंस, ठीक है, मेरा ए पॉइंट यहाँ पे है, मेरा बी पॉइंट, मेरा बी इसमें है, मेरा बी पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। आपको पहले कंपास का डिस्टेंस लेना है ए टू वन, ठीक है। फर्स्ट आपको लेना कंपास डिस्टेंस ए टू वन लेना है, आपको एफ वन से ऊपर में और नीचे में आर्क मारना है, ठीक है। आपको कंपास में डिस्टेंस लेना है ए टू वन, आपको आर्क मारना है एफ वन से ऊपर में और नीचे में, ठीक है, इतना क्लियर। आपको सेम करना है यहाँ पे भी, आप यहाँ से एफ वन से, आप यहाँ से बी से वन लेना है, आपको सेम रहेगा, आपको ए टू वन आपका बी टू वन सेम रहेगा, ठीक है। तो आपको एक ही बार पकड़ना है, आप ए टू वन पकड़ लो, ठीक है, आप एफ वन से ऊपर नीचे मार कर दो यहाँ पे, और सेम आपका आपका जो ए टू वन जितना है उतना आपका बी टू वन रहेगा, और आपको एफ टू से मारना है। तो आप पहले ए टू वन ले, आपने ऑलरेडी ले लिया ए टू वन, आपको सेम आपको आर्क मारना है पॉइंट एफ टू से, एफ टू से ऊपर और नीचे मारना है, ठीक है, इतना क्लियर, ओके। अब मुझे उस आर्क को क्लोज करना है, तो वो मुझे कैसे करना है, हमने पहले लिया था ए टू वन लिया था, राइट, हमने पहले ए टू वन लिया, अब आप क्या करोगे बी टू वन लोगे, ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है, कंपास में अब आपको लेना है बी से लेके वन तक डिस्टेंस लेना है, ठीक है, आपस से बोल रहा हूं मैं, अब आपको लेना है डिस्टेंस बी से वन तक का, जो बचा हुआ डिस्टेंस है पूरे मेरे मेजर एक्सिस का, ए टू वन मेरा हो गया ये वाला, अब मेरा बचा हुआ है बी टू वन, आपको बी टू वन लेना है, और आपको आर्क मारना है एफ टू पॉइंट से, ठीक है, आपको लेना है कंपास में बी टू वन डिस्टेंस, आपको आर्क मारना है एफ टू से, इसमें क्रॉस करना है, इसमें क्रॉस करना है, ठीक है। तो मैंने सोचो मैंने कंपास का डिस्टेंस ले लिया है बी टू वन डिस्टेंस ले लिया है बी टू वन, और मैंने कंपास में बी टू वन लेके आग मारा एफ टू से इधर इस साइड में, जो मेरा कट रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, ओके। आपको सेम डिस्टेंस लेना है बी टू वन डिस्टेंस, वो सेम पकड़ना है, आपको आग मारना है एफ वन से उस साइड में मारने का, तो मैंने एफ वन से आग मारा जो मेरा कटेगा यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे ये पॉइंट्स यहाँ पे कट गए, मुझे अपना पॉइंट मार्क रखना है ऐसा, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे आगे बढ़ना है,
अब मैं लूंगा ए टू टू लूंगा, अब मैं लूंगा ए टू टू डिस्टेंस, मेरा वन हो गया, ए टू वन हो गया, अब मैं लूंगा ए टू टू डिस्टेंस और मुझे मारना एफ वन से ऊपर नीचे और एक बार, तो मैं एफ वन से मारूंगा, यहाँ पे आ गया मेरा, यहाँ पे आ गया, ओके ए टू मैंने टू लिया और मैंने मारा एफ वन से ऊपर नीचे, आपस में सेम डिस्टेंस लूंगा, मैं समझूंगा कि मैंने बी टू टू लिया हुआ है और मैं मारूंगा एफ टू से ऊपर नीचे, ठीक है, तो आपने ए टू टू लिया है कंपास में, सेम आपको मारना है एफ वन से ऊपर नीचे, आपको सेम मारना है यहाँ से एफ टू से ऊपर नीचे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपने ए टू वन लिया था, आपने ए टू टू लिया था, आपका बचा अभी टू से भी बचा है, अब आप कंपास में लोगे बी टू टू, लोगे आप बी टू टू आ रहे होंगे कंपास में डिस्टेंस, आप मारोगे एफ टू से, यहाँ पे मारोगे साइड में, तो मैंने बी टू टू डिस्टेंस लिया कंपास में और मैंने एफ टू से मारा हुआ है आप यहाँ पे और यहाँ पे, और सेम डिस्टेंस बी टू टू लूंगा मैं, सेम डिस्टेंस और मैं मारूंगा एफ वन से उस साइड में, तो मेरा कटेगा यहाँ पे और यहाँ पे, तो मेरे मुझे और दो पॉइंट मिल गए, मुझे इसको और डार्क करना है यहाँ पे, दो पॉइंट हो गए, ठीक है। अब मुझे जाना है ए टू थ्री पॉइंट, अब मैं लूंगा ए टू थ्री पॉइंट, ठीक है, और मैं मारूंगा एफ वन से ऊपर नीचे, ठीक है, भाई मैंने लिया डिस्टेंस ए टू थ्री और मैंने आग मार कर दिया ऊपर में एक और एक आग नीचे में, ठीक है, आपको सेम ए टू थ्री अपने पकड़ा हुआ है ऑलरेडी, आपको मारना है एफ टू से ऊपर नीचे, सोचो कि मैंने बी टू थ्री मारा पकड़ा हुआ है और मैं एफ टू मारूंगा ऊपर में और नीचे में, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको इनको क्लोज करने के लिए आपको लेना है बी से थ्री का डिस्टेंस, आप लोग डिस्टेंस बी टू थ्री का डिस्टेंस हो गया, ठीक है, जो बचा हुआ है आपको मारना है एफ वन से उधर उस साइड मारा ऊपर नीचे, ठीक है, आपने मारा है, आपने डिस्टेंस लिया बी टू थ्री, आपने एफ वन से मारा इसको एक ऐसा और इसको एक ऐसा, और आपने सेम डिस्टेंस लिया बी टू थ्री, आपने एफ टू से मारा हुआ है इस साइड में, ठीक है, आप यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, आपको इसको और पॉइंट करना है ऐसे, ठीक है, आपके सारे पॉइंट्स अभी हो गए कवर, आपको भी सारे पॉइंट्स से स्मूथ कर्व ड्रा करना है, सबका कर्व हो जाएगा ए वाले पॉइंट से इतना, फिर ए वाले पॉइंट से इतना, फिर आपका ज्यादा आगे कर्व यहाँ से घूमते हुए जाएगा ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से नीचे उतरेगा कर्व ऐसा ऐसा ऐसा, फिर आपको जाना इस पॉइंट से ऐसे ऐसे ऐसे, आपको यहाँ वापस से यहाँ से घूमते हुए ऐसे ऐसे और ऐसे, फिर एक पॉइंट नीचे आएगा जो कट गया मेरा, जो मेरा इस पॉइंट पे कटेगा, ठीक है, तो मेरा एक पॉइंट नीचे आएगा, ठीक है, जो मेरा कट जाएगा थोड़ा सा यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, तो मेरा ये पॉइंट यहाँ पे है, आपको कर जाएगा यहाँ से जाकर ऐसे आपको ड्रॉ करना है कर, ठीक है, तो आपका हो गया एलिप्स बाय आर्क ऑफ सर्कल मेथड, इसको हम नाम दे देंगे एलिप्स, मेरा हो गया एलिप्स बाय आर्क ऑफ सर्कल मेथड, आपको इसके डायमेंशन शो करना है, तो मेरा ये मेरा है मेजर एक्सिस, इसको मैं दे दूंगा 120 का डिस्टेंस, ये मेरा है माइनर एक्सिस, इसको मैं शो कर दूंगा 100 mm, तो मैंने मेरा मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस शो कर दिया है, आपका हो गया एलिप्स बाय आर्क्स ऑफ सर्कल मेथड, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपको ऐसा पेपर में आ सकता है, आपको थोड़ा डिफिकल्ट ड्रॉ करने के लिए, बट आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको आराम से आ जाएगा, ओके, थैंक यू।